क्या हाल चाल है भाई लोग, ये आपका अपना चैनल एपिक टर्न और आज देख रहे हो पीछे R15 बड़े दिनों बाद दिख चुकी है। ये है हेमंत और इसके पास है RS 200। ये RS 200 जो है इसके फ्रेंड की है। सो हुआ कुछ ये कि इसका एकदम से मूड बना लेने का, तो आज जो है इसको टेस्ट करने के लिए हम निकले हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे क्या है इसका, वीडियो में दिखाऊंगा आपको RS के बारे में भी। पहले ये तो है साहिल, इसको तो जानते ही हो, ये रही इसके वाली R15। फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा है, टाइम हो चुका है 11:30 बज चुके हैं सुबह के। 1 बज गया 11 बजे तो मैं उठा ही था। देखते हैं एक बार कि कैसा परफॉर्म करती है ये। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं हाईवे पे। तो भाई ये है RS 200, इसकी अभी टेस्ट राइड ली थी। बाइक जो है सही है, पहली चीज अबाउट टायर्स, टायर जो इसके साफ हो चुके हैं, टायर तो ऑब्वियसली नए डलवाने पड़ेंगे। और इसमें जो है फिलहाल वो है 140 नंबर मिशलेन का 140 इसमें टायर डला हुआ है और हालत बहुत ज्यादा उसकी साफ हुई पड़ी है, तो टायर ऑब्वियसली चेंज करवाना पड़ेगा। बैक ब्रेक है जो रियर ब्रेक है, ये नॉन एबीएस बाइक है। ठीक है, तो भाई स्टंट मारता हो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा कहीं ना कहीं किसी ब्लॉग में। और ये लग रही है रेस वो भी बिना हेलमेट के। उसके बाद बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन वाइज जो है सही है, ठीक है, साउंड तो आपने सुनी होगी, इंजन इसका सही है, परफॉर्मेंस सही आ रही है। बस मे बी आई थिंक की सर्विसिंग इसकी करवानी पड़ेगी, ठीक है, तब करके थोड़ा सा हल्की सी पिकअप की ओर लग रही है, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा सही इसकी पिकअप होने वाली है। आगे से भी देख लो, इंडिकेटर्स बहुत सही डले हुए थे, इनको भी नींद आ गई तो ये भी लटक गए। फ्रंट लुक ये रहा बाइक का, RS बहुत ही ज्यादा प्यारी बाइक लगती है भाई सामने से। और इसकी जो लाइट्स है ये हेलोजन्स है, LED नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग थ्रो है, बहुत ज्यादा ब्राइट है ये वाली हेलोजन्स। तो भाई
सीन ये है कि भाई ने जो है बाइक लेनी थी ये वाली, ठीक है, तो इसके लिए जो है टेस्ट राइड हम ले रहे थे आज इसकी बाइक की, कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी सही रहेगी ये लेनी या नहीं। तो कंक्लूजन तो सही निकला, काम तो देखो हल्का फुल्का होगा ही होगा ऑब्वियसली, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आरएस लेता है भाई तो अपनी स्क्वाड में तो एक और बाइक आ ही गई है। अब जाएंगे हम अपने मैकेनिक के पास, वहां जाके चेक करवाएंगे कि बाइक का क्या इशू आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे से ज्यादा उसको पता होगा। तो एक बार पिकअप टेस्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट में कितना जा रही है, सेकंड में कितना जा रही है एज कम्पेयर टू आर 15। ऑब्वियसली आर एस 200 है, 200 सीसी इंजन है, वो आर 15 को बीट कर ही देगी। तो भाई अब जो एक छोटी सी ड्रैग मार लेते हैं आर एस वर्सेज आर 15 BS3 एंड ये है आर एस 2016 मॉडल। तो देखते हैं पावर एक बारी पिकअप की कि कैसे होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर तक। स्पीडोमीटर इसका खराब है, मजा नहीं आया है ना, यह ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। बट आपने देख लिया ऑब्वियसली कि पिकअप के मामले में आर एस है भाई, ऑब्वियसली 200 सीसी है, कहीं ना कहीं तो फर्क दिखेगा ही। गाइज ये मत कमेंट करना कि इस बंदे ने हेलमेट क्यों नहीं लगाया हुआ, ये वीडियो शूट कर रहा था और ये यहीं पे मोड़ पे खड़ा हुआ था, सो दैट इज द रीजन कि इसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। ये प्रो है, इसको मार खानी बनती है भाई। यार हमारे साथ ही ऐसी हरकतें क्यों करता है कोई भाई, लिटरली जब व्लॉग बन रहा होता मैं इसको कुछ करने को बोलता हूँ ये कुछ कर रहा होता है। और इस बंदे पे आज पहली बार ट्रस्ट करा था, इसने भी मेरे ट्रस्ट की ऐसी तैसी कर दी है, क्या बोलूँ अब मैं। आर एस का पिकअप का रिव्यू जो मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा सही है, ठीक है, 200 ऑब्वियसली फर्क तो दिखेगा ही दिखेगा। और फिलहाल जो है चलते हैं मैकेनिक के पास, उसको थोड़ा बाइक दिखाएंगे हम, ठीक है, वो थोड़ी राइड लेगा और उसके बाद जो है उसका रिव्यू लेंगे कि क्या बाइक की कंडीशन है और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो ब्रोस चलते हैं अपने मैकेनिक के पास। अच्छा जी अभी अब हाँ स्ट्रगल जो होता है ना स्ट्रगल ब्रो, अब आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि इन बाइक्स को पीछे करने में क्या हालत होती है। ये देखो खाते पीते घर का बंदा है बट फिर भी, और ये तो हमारे जिम वाले बंदे हैं, लेग्स मारते हैं हफ्ते में 2 बारी। नो ब्रो अच्छा क्या व्यू आ रहा है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है पर व्यू देखो यार बड़ा सही है यार। तो भाई अभी हम आए हुए थे मैकेनिक के पास और बाइक हो चुकी है पास, थोड़ा सा काम ऑब्वियसली करवाना ही पड़ता है हर गाड़ी में अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो। भाई आरएस चलाने के बाद अपनी बाइक बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सही फील आ रहा है। अब हम जो है फिलहाल जा रहे हैं साहिल की शॉप पे जो थोड़ा सा काम है, एंड ये हम पहुंच गए साहिल की दुकान के पास। यहाँ देखते हैं पार्किंग में लगा के कि किसका फ़ोन आ रहा था। बंदे कह रहे थे वीडियो बना रहा भाई, हाँ हम वीडियो बना रहे हैं भाई। साहिल की दुकान से निकल गए, अब हम जा रहे हैं अपने घर। हेमंत अपने घर की तरफ निकलेगा और मुझे भी अपने घर जाना है, धूप बहुत ज़्यादा है यार, भूख भी लग रही है। तो मेरे को लगा तू ये लेके आया हुआ हो जाता है। यस छाँव में लगी थी बाइक तो बच गए।
भाई अब इसको क्या हो गया? आया पीछे ले गया, पीछे आ जाएगा। आजा इधर दे, आजा। इस वाली गली से निकल जा तू, मैं खन्ने पे जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से निकल जा तू, ठीक है? चल ओके, मिलते हैं भाई, शाम को आएगा तो कॉल कर दियो। चल ठीक है, ओके। यहाँ पे लग चुकी है गाड़ी, ट्रक गाड़ी में लग गया जाके। सो सारे काम करके हो चुका हूँ मैं फ्री, और टाइम जो है 3:30 बजने वाले हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ को। सो गाइस, यहाँ पे मैं व्लॉग को करूँगा एंड। होप आपको व्लॉग जो है वो सही लगा हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि RS जो है कैसी लगी, ठीक है? जल्दी ज्वाइन होने वाली है स्क्वाड में वो भी। और फिलहाल घर की तरफ निकलते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, और एंजॉय करो विद एपिक टर्न चैनल। चला, सी यू, लगाओ।